नमस्कार आदरणीय। बस दो हफ्ते पार दिख रही दिनांक 26 जुलाई 2022 से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू ही होने जा रही है और पहले से चर्चित इस 5G स्पेक्ट्रम की खबरों को ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया है अडानी साहब की एंट्री ने। और फिर इन समग्र चर्चाओं से जन्म हुआ उन स्टॉक के विषय में निवेशकों की उस अभिरुचि का, जो अब उन कंपनियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हैं जो इस 5G उद्यम की अंतर्निहित सेवाओं, बोले तो इंटीग्रल सर्विसेज लाइक वॉइस एंड डेटा सर्विसेज में हार्डवेयर सेवा प्रदाता के रूप में स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध है। और इन्हीं चर्चाओं में शुमार है GTL इंफ्रा, जिस पर वीडियो बनाने के कई अनुरोध मुझे अपने कमेंट बॉक्स में प्राप्त हुए। बहरहाल, यदि आपको भी मेरे और मेरी टीम के द्वारा किए जा रहे ये स्फूर्त प्रयास पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को अविलंब लाइक कर हमें अनुग्रहित और अपने आग्रह को कॉमेंट में दर्ज कर हमें आदेशित कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कर अपने अंतर्मन के भावों को प्रकट करिए जिनसे मैं अवगत हो सकूं। बहरहाल, देखिए, इन दिनों बाजार में सुगबुगाहट बड़ी तेज है कि 5G सेवाओं में लगने वाले टावर के लिए इस कंपनी को रिलायंस, आइडिया और एयरटेल सहित अडानी समूह से भी अच्छे खासे ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। किसे? GTL इंफ्रा को। लेकिन यकीन मानिए, मेरी दिलचस्पी इसमें है ही नहीं, रत्ती भर भी नहीं। क्यों नहीं है? भला आजकल तो प्रसाद भी 1.25 रुपए 1.5 रुपए से ज्यादा का चढ़ाया जाता है। ऐसे में 1.25 रुपए के आसपास मिलने वाला यह स्टॉक क्या मुझे मल्टीबैगर नहीं लगता? चलिए, इन्हीं बातों पर शुरू करते हैं आज का स्फूर्त लेकिन तार्किक संप्रेषण। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। स्वागत है आपका हमारे चैनल 7 Dreams India ऑफिशियल में, जहां करते हैं बचत, पैसे, निवेश के संदर्भ में दो टूक संप्रेषण। एक सविनय अनुरोध और आपसे कि यदि आप उचित जाने तो आप मुझे मेरी टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां स्वयं मेरे द्वारा मार्केट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट तत्काल प्रभाव से वहां साझा कर दिए जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और कमेंट में संलग्न कर दी गई है, स्टेपल कर दी गई है, पिन कर दी गई है। चलिए, GTL इंफ्रा के प्रादुर्भाव अर्थात इन्फेंसी इनकॉर्पोरेशन डेज से इस कंपनी को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2004 में निगमित GTL इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में शेयर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी कंपनी रही है। 2004 का भारत, जब टेलीकॉम सेवाएं भारत में विस्तार लेना प्रारंभ कर रही थी, उस समय यह भारत की पहली कंपनी थी जो वैश्विक टेलीकॉम समूह का हिस्सा बनी और दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डॉट के साथ श्रेणी 1 IP1 में एक बुनियादी ढांचा प्रदाता के रूप में पंजीकृत हुई। भारत की अर्ली टेलीग्राम क्रांति को सफल बनाने के लिए यदि इस कंपनी के योगदान को श्रेय दिया जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यह वो समय था जब देश में सेलुलर ऑपरेटर कोई भी हो लेकिन उसे अपनी सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल टावर की आवश्यकता तो पड़नी ही थी। और ऐसे में वो GTL इंफ्रा के साथ ही एंड टू एंड सर्विस एग्रीमेंट का अनुबंध कर निश्चिंत हो जाते थे, क्योंकि GTL इंफ्रा सेलुलर दूरसंचार ऑपरेटरों की तेजी से बढ़ती बुनियादी ढांचे की जरूरतों को भली प्रकार समझते हुए गगनचुंबी मोबाइल टावर के ना सिर्फ बुनियादी ढांचे का निर्माण करती थी बल्कि इनके स्वामित्व, संचालन और रखरखाव की निश्चिंतता भी अपने अनुबंधित ऑपरेटर को प्रदान करती थी। 2004 से अगले 6-7 साल GTL इंफ्रा का धंधा बड़ा छक्के चला। देखते ही देखते भारत के हर सर्किल में कुछ 27 से 30 हजार टावर का प्रबल नेटवर्क इसके छत्रप में जुड़ गया और ऐसी स्थिति बन गई कि भारत में किसी भी सेलुलर ऑपरेटर को किसी भी सर्किल में अपनी सेवाएं पहुंचाना हो, GTL इंफ्रा उन सभी को रातों रात जहां बोलो वहां पर एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का दम और दंभ दोनों रखती थी। उन दिनों हर मीडिया और बिजनेस अवार्ड शो में एक ही नाम की गूंज हुआ करती थी और वो थी GTL इंफ्रा। लेकिन वो एक लोकोक्ति है गुरु, सब दिन होए ना एक समाना। भारत के टेलीग्राम उद्योग पर ग्रहण लगा 2G स्कैम का और उस घटना की स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं में उस समय की तत्कालीन सरकार ने कई सर्किल में कई ऑपरेटर के लाइसेंस निरस्त कर दिए, रद्द कर दिए, खारिज कर दिए और ऐसा होने से इसका सीधा प्रभाव GTL इंफ्रा जैसी कंपनियों पर भी पड़ा, क्योंकि कई सर्किल में उनका कैपेक्स अब फंस चुका था। देर सवेर उन पैसों की भरपाई जब तक हुई तब तक गरीबी में आटा गीला करने भारत में चाइनीज कंपनियों की एंट्री हो चुकी थी, जैसे हुआवे, जेटी आदि 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 आदि। इन कंपनियों ने GTL इंफ्रा के मार्केट को तोड़ने के लिए शेयर्ड मार्केट में रूरल एरियाज और बी टाउन में लोगों के खेत, उनके घरों के खाली छत का मुंह मांगी कीमत पर उपयोग करना शुरू किया। आपको याद होगा उन दिनों बड़ा बूम मचा होता था कि अपने घर की छत को टावर लगाने के लिए किराए पर देना है क्या? मैं उसी समय की बात कर रहा हूं। और अपने रेवेन्यू में चाइनीज कंपनियों ने भारत की GTL इंफ्रा जैसी कंपनियों को काउंटर करने के लिए सस्ते चीनी हार्डवेयर जैसे BTS इक्विपमेंट, जो मोबाइल टावर के नीचे शेल्टर बना के लगाए जाते हैं,
पावर जनरेटर और सस्ती टेक्नोलॉजी से भारत के सेलुलर ऑपरेटर से धंधा लेकर अपनी पैठ बनाई। सेलुलर ऑपरेटर भी तो चाहता था कि ये काम सस्ते में हो जाए। इन घटनाओं से जीटीएल इंफ्रा कर्ज के बोझ में आना शुरू हुई और फिर एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज और दूसरे को चुकाने के लिए तीसरे का दलदल ऐसा बना जिससे उबरना इसके लिए कभी आसान नहीं रहा है। लेकिन अब जबकि वर्तमान की भारत सरकार भारत के टेलीकॉम उद्योग से चीनी कंपनियों को विदा कर चुकी है, ऐसे में काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जीटीएल इंफ्रा के दिन फिरेंगे। और इन कयासों में उत्प्रेरक बोले तो कैटलाइजर का काम करती हैं वो खबरें जिनका जिक्र वीडियो के शुरुआत में किया है कि कैसे मार्केट में सुगबुगाहट अब तीव्रतम है कि अब इस रिलायंस एयरटेल अडानी आइडिया सभी से ऑर्डर मिल रहे हैं। मैं चाहूं तो इन नवीनतम ऑर्डर बुक पर आंकड़ों की जलेबी तलकर संप्रेषण कर सकता हूं, लेकिन आंकड़ों में रक्त रंजन है, बोले तो घाटे की लालिमा इतनी है कि शायद आप उसे देखना पसंद ही ना करें। चलिए इस घटना को जरा समझें। मेरी कॉलोनी में एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है, बोले तो किराने की परचून की दुकान है। वो डिपार्टमेंटल स्टोर अपनी दुकान में रोजमर्रा में उपयोग होने वाली सभी सामान जैसे बिस्किट, चाय पत्ती, आटा, दाल, चावल, नूडल्स, ब्रेड, कॉस्मेटिक आइटम सब बेचता है। यदि उस दुकान की पूरी इन्वेंट्री का योग कर लिया जाए, अर्थात उस डिपार्टमेंटल स्टोर में कुल कितने का सामान रखा है, तो उसका मूल्य कुछ 10 लाख रुपए के आसपास आता है। बड़ी इंप्रेसिव दुकान है। दुकान में आने वाले सब लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति इस दुकान से हो जाती है। इसलिए मेरी कॉलोनी के कई अच्छे घर, कई बड़े घर इस दुकान को ही बड़ी बड़ी शॉपिंग के ऑर्डर देते हैं। आप बोलोगे वाह, मतलब दुकान का धंधा एकदम चोखा है, बड़े बड़े घरों के बड़े बड़े ऑर्डर इसको मिल रहे हैं। लेकिन 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 एक मिनट, एक बात आपको इस दुकान के बारे में और बताता हूं। इस दुकान का जो मालिक है ना, उस पर कुछ 50 लाख रुपए का कर्जा भी है। अब आपका दिमाग थोड़ा ठनकेगा कि यार ये कुल सामान जो इसकी दुकान में है वो 10 लाख का ही है, लेकिन कर्जा 50 लाख का है। मान लो एक झटके में अपना पूरा 10 लाख का सामान अभी के अभी 100% मुनाफे में, मतलब दोगुने में 20 लाख में भी बेच देता है, तब भी कर्जा जो 50 लाख का है वो नहीं चुक पाने का। तो अब ये जानने के बाद इस दुकान के बाहर बड़े बड़े लोगों को शॉपिंग करता देख आप उतने प्रभावित नहीं होंगे जितना इस जानकारी के नहीं होने से पहले आप हो रहे थे। बस यही दृष्टिकोण है मेरा जीटीएल इंफ्रा पर भी। मार्केट कैप 1,618 करोड़, लेकिन टोटल कर्जा 4,872 करोड़, लगभग 4 गुना। प्रमोटर होल्डिंग मात्र 3.33%, एफआई होल्डिंग 1.38%, आरओसी के नंबर नेगेटिव है, बुक वैल्यू नेगेटिव है, अर्निंग तो है ही नहीं, इसलिए पी की गणना हम कर नहीं सकते। बाकी होल्डिंग हम और आप जैसे रिटेल निवेशकों के पास खबरों के आधार पर पहुंचा दी जाती है। क्या कहते हैं, और आगे के मैट्राइसिस पर चर्चा करना चाहिए? तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि इस कंपनी में आप कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं साहब, मैं किसी कंपनी को भला बुरा कहने वाला कौन होता हूं? ना मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, इसलिए मेरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है सर्वथा गलत भी हो जाए। तो सार क्या है? सार यह है कि मेरी बातों से इस कंपनी में निवेश करने या ना करने का निर्धारण ना करें, वो काम तो आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर आपके लिए बेहतर कर सकता है। अपने व्यक्तिगत अध्ययन और पिछले 13 वर्षों के अनुभव से मैं इस कंपनी के उज्ज्वल भविष्य के प्रति सांत्वना तो प्रकट कर सकता हूं, लेकिन वो 1.25 रुपए नहीं जो इस स्टॉक की कीमत है। उस 1.25 रुपए में मैं अपने कॉलोनी के उन्हीं दुकानदार भाई साहब से एक टॉफी लेके चूसना ज्यादा प्रेफर करूंगा। हाँ, यदि आप में से कुछ लोग अब ये कहें कि नहीं, अडानी साहब या रिलायंस इस कंपनी को खरीदने वाले हैं, तो जब वाकई इस उड़ते हुए तीर को लेने वाला हमें मार्केट में स्पष्ट रूप से दिखने लग जाएगा, उस समय का संप्रेषण लेकर हम पुनः प्रस्तुत हो जाएंगे कि क्या घटना है, क्या परिदृश्य है, क्या वैल्यूएशन है, और इस वैल्यूएशन के आधार पर इसको क्या रिस्पॉन्स एक निवेशक को देना चाहिए। फिलहाल तो आप इस कंपनी को अपने 1.25 रुपए दें अथवा ना दें, इस वीडियो को दी यहां तक देख लिया है तो एक लाइक जरूर दे दें, और फिलहाल रखें अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल। मुलाकात कर रहे हैं आपसे जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।